ये हमारा पाइल कैप का आपका ड्राइंग है, इसमें ये शेड्यूल देख लीजिए आप पाइल कैप का। पाइल कैप का जो रेनफोर्समेंट है, ये रहा स्टार्टिंग बार है, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं हम, एक नंबर बार है जो हमारा, ये रहा इसका पाइल कैप। ये नीचे पाइल है, पाइल के बाद आपका पाइल कैप आता है, उसके बाद आप देखिए एक नंबर बार है जो इधर, ये रहा इसका मेन बार, एक नंबर बार है मेन बार। ये है 20 का, 20 इसका डाया है, 110 स्पेसिंग है, एक एक मीटर बोथ साइड इसका एल दिया गया है, ठीक है। ये देख रहे हो आप पाइल कैप हमारा, इसमें ये जो दिया गया है नीचे की ओर पाइल कैप में, एक एक मीटर का इसमें एल दिया गया है। ये देखिए हमारा एक मीटर का इसका एल है जो इसमें में दिख रहा है। ये हमारा कंप्लीट पाइल कैप है, इसकी लंबाई है 5.1 मीटर एंड इसका विड्थ है 20 मीटर। इसका लंबाई है 20 मीटर और इसका विड्थ है 5.1 मीटर। इसमें ये देखिए आप, दूर से आपको दिख रहा होगा ये पियर शाफ्ट है, इसके नीचे ये पाइल के हेड्स हैं, पाइल हेड बोलते हैं जिसको, इनको शिपिंग करने के बाद निकाला जाता है। इसमें भी हमारा रिंग बंधा हुआ है, बहुत साइड में रिंग है इसको। इसमें चार शाफ्ट हैं आपका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 लास्ट। ये इसमें एक नंबर बार हो गया आपका मेन बार, और दो नंबर पर जो बार है इसमें, ये इसको हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने का? 32 का। इसका क्या है स्पेसिंग? 125, ठीक है। उसका भी ये जैसे हमारा नीचे मेन बार है, जस्ट उसके मेन बार आपका ये है लंबाई में है, और वो आपका जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 20 का 32 का, वो उसके साइड में आप देख पा रहे हो जैसे डाया के अकॉर्डिंग। उसके बाद थर्ड आएगा आपका टॉप में, थर्ड एंड थर्ड ए, दो इसमें अल्टरनेट बार दिए गए हैं, थर्ड और थर्ड ए को आप अल्टरनेट बार के यूज देखिए। थर्ड है हमारा 20 का टॉप में, 220 की स्पेसिंग, और ये थर्ड ए भी 220 का, तो दोनों का ये अल्टरनेट में है। तो ये देखिए आप इसका 110 की स्पेसिंग को चेक कर रहे हैं कि 1100 तक हमारे कितने बार है, बार गिन के दिखाओ एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 नंबर पीस, 110 की स्पेसिंग है इसमें। ये चार नंबर इसमें मेन बार है, जो चार नंबर दिया गया है इसमें ये मेन बार है। तो उसके बाद हमारा है पांच नंबर। पांच नंबर क्या है? साइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो है, ठीक है। पांच नंबर इसमें 16 का, 5A, ये भी 16 का पोस्ट साइड, ये इसमें ये रहा पांच नंबर, ये रहा आपका, और 5A ये रहा आपका। बहुत साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक साइड ऐसे आपकी लेंथ में जाएगा लंबाई में, एक आपका विड्थ में जाएगा। तो 5 और 5A आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। इसमें टोटल स्पेसिंग दिया है 150 का। इसकी जो हाइट है वो है 1800 mm इसका हाइट है। इसमें हमें देखना लैप लेंथ हमारा, लैप लेंथ हमारा क्या है, हम M35 इसका कंक्रीट ग्रेड है, तो इसका लैप लेंथ बोलते हैं इसको, अल्टरनेट होना चाहिए ये, एक स्टील छोड़ के एक स्टील होता है। ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 1400 हमारा, और जो हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है वो आपका लैप लेंथ M35 के लिए, हमारा राफ्ट एंड स्लैब टॉप मेन बार अनफेवरेबल के लिए इसमें होगा 74D। 74D का मीन्स हमारा जितने का स्टील है, स्टील 20 का स्टील है, 20 × 70। ये देखिए लैप लेंथ हमारा इसमें ये 1480 है, 1480 दिया हुआ है पूरा हमारा लैप लेंथ, एकदम अल्टरनेट होता है, एक छोड़ के एक होता है। इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि आपका 74 × 74 अनफेवरेबल जो टॉप स्लैब मेन बार में, 74 × डाया हमारा 20 का 20 × 74 का अकॉर्डिंग इसको किया गया है। अपना पाइल कैप हो गया, अब इसके बाद पाइल का जो शाफ्ट का सरिया है, शाफ्ट में 32 डाया का 48 नोज दिया गया है इसमें। इसमें 500 का नीचे एल है, 300 का ऊपर में एल है। ये जो हमारा शाफ्ट है ये रहा इसका, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका, S1 स्टील है इसका। S1 स्टील को हम ऐसे इसको यहाँ से देखो, S1 का 32, S1 ये रहा आपका वर्टिकल जो बार है वो, इसमें 48 नोज दिया गया है, और इसमें 12 का इसमें S2 है, और इसमें S2A इसका जो दिया है 375 का वो है सेंटर टू सेंटर S2A। ये रहा अपना यहाँ पे जो दिया है 500 तक हमारा इसमें रिंग आएगा, तो इसमें जो टू टाइप्स के रिंग है, तो इसमें S2A नीचे की ओर इसमें जो दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 16 का रिंग है इसमें, इसमें डाला गया है ये रहा 500 हमारा हाइट में इसमें ये दिया गया है। ये इसका क्लीनिंग के लिए इसकी सफाई करते हुए, एक्चुअली ये हमारा रिवर चलते हुए रिवर में इसमें हमारे सीट पाइलिंग हुई है, ये रहा इसका सीट पाइलिंग,
सकता है, उसके बाद ही अपना इसमें नीचे थोड़ा मड स्लश है वो होना नहीं चाहिए। कंक्रीट से पहले इसको फुल एकदम साफ किया जाता है। इसका कवर प्रॉपर कवर होना चाहिए, साइड में आपका 50 का कवर है, ऊपर नीचे 75-75 का कवर होता है। पूरा इसको एकदम से इसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद ही इसको कंक्रीट के लिए अलाउ किया जाता है। पूरा इसको एकदम साफ करके बहुत साइड से, ये देखिए इसको पूरा एल एस में 500 का दिया है साफ्ट माप का। ये 48 नोज है इसका, चार साफ्ट है इसमें पियर साफ्ट। इसका फॉर्म वर्क है, इसको फॉर्म वर्क बोलते हैं। इसके चारों ओर 1200 का प्लेट है एक साइड, तो इसकी जो हाइट है वो 1800 है, बहुत साइड इसमें प्लेट हमने डाला है। ये रहा इसका पूरा कंप्लीट, इसका आपको मैं इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिखाऊं तो इस टाइप का ये है, पाइल कैप बोला जाता है इसको। इसमें ऊपर 300 का एल है साफ्ट में, ये कंप्लीट इसका कंक्रीट के लिए रेडी है ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जाके मुझसे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।